क्या आपके भी मोबाइल का नीचे का बटन गायब हो चुका है? जैसे कि आप यहाँ देखिए, कोई भी बटन नहीं है और आपके भी फ़ोन में नहीं है, और आप वापस लाना चाहते हैं या 3 बटन आप लगाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल में 3 बटन को कैसे फिर से लगा सकते हो या ला सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आप यहाँ देखिए, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इसमें कोई भी बटन नहीं है और आपके भी मोबाइल में नहीं है और आप लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप नहीं करना। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐप को ओपन करने के बाद बैक करने का बटन है ही नहीं, ना ही होम बटन है, ना ही फिजिकल बटन है, तीनों में से कोई भी बटन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे लाएंगे, आइए जानते हैं। लाने के लिए आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग आप इस तरह खोजेंगे तो आपके फ़ोन में सेटिंग ऐप मिल जाएंगे। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप खोजेंगे सिस्टम नाम का एक ऑप्शन होगा, आप इस तरह करेंगे। सबसे नीचे देखिए यहाँ दिख रहा होगा सिस्टम होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है, ऊपर में देखिए सिस्टम है। अगर आपका फ़ोन वीवो का है या आईकू का है तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएंगे, अदरवाइज कोई और है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक और फ़ोन है। इस फोन में सेटिंग ओपन करता हूँ, सेटिंग ओपन करने के बाद ऊपर करता हूँ, ऊपर करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा सिस्टम नीचे में है। आपके भी फ़ोन में ऊपर या नीचे कहीं पर भी सिस्टम दिखे तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ दिख रहा होगा सिस्टम नेविगेशन यहाँ दिख रहा है, और इस फोन में देखिएगा ऊपर में है, दोनों सेम चीज़ें हैं। आपको यहाँ क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है, सिस्टम नेविगेशन पर। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह आ जाते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, 3 बटन नेविगेशन पर क्लिक करना है। अभी देखिए जेस्चर नेविगेशन पर क्लिक है, इसलिए बटन गायब है। आपको बटन लाना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है ऊपर। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं बटन आ जाते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा, बटन आ चुके हैं। इसके बाद आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं बटन को, यानी बैक बटन राइट कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सिलेक्ट करेंगे उल्टा हो जाएगा, बैक बटन इधर आ गया है और होम बीच में है, फिजिकल इधर है। अगर आप चाहते हैं इसके उल्टा करना, यानी बैक राइट में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह क्लिक करते हैं, राइट में बैक बटन आ जाएंगे। इसके बाद बैक करेंगे, बैक हो जाएगा, 3 बटन आपका आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए आ गए हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे बैंक बटन, फिजिकल बटन वगैरह आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपके सामने, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ देखिए बैंक बटन, होम बटन, फिजिकल बटन, यही बटन आपका गायब था, हट गया था। इस तरह आप आसानी से ला सकते हैं। अब चले इस फोन में दिखा देता हूँ, क्योंकि सभी में अलग अलग थोड़ा सा इंटरफेस हो सकता है। यहाँ देखिए ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, कम कर देने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिस्टम नेविगेशन पर। क्लिक करने पर यहाँ दिख रहा हुआ जेस्चर नेविगेशन है, आप में थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो आप मैनेज कर लेना। इसके बाद आप रीड करेंगे, यहाँ दिख रहा हुआ 3 बटन नेविगेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपके सामने आ जाएंगे बटन, बैंक बटन, होम बटन, फिजिकल बटन आ चुके हैं। इस तरह आप आसानी से अपने मोबाइल में होम बटन, फिजिकल बटन और बैंक बटन, या बैंक बटन, होम बटन, फिजिकल बटन को ला सकते हो। तीनों बटन को आप आसानी से इस तरह ला सकते हो, अगर गायब हो गया है तो वापस इस तरह से ला सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।